आखिर क्यों वर्ल्ड कप 2023 के हीरो रहे बॉलर मोहम्मद शामी को बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 से टीम से बाहर कर दिया है। आइए आपको बताते हैं। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अपनी आखिरी टी20 सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है। टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर प्लेयर भी इस सीरीज में खेल रहे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। मगर इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के हीरो रहे मोहम्मद शामी को भी अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, पिछले एक सालों से कोई टी20 मैच भी मोहम्मद शामी को खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप 2020 की टीम में उनका शामिल हो पाना मुश्किल लग रहा है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि मोहम्मद शामी ने अपने टी20 करियर में महज 23 मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 24 विकेट मिला है। शामी का टी20 करियर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए बीसीसीआई अभी शामी को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के टीम में शामिल करने को लेकर विचार कर रही है। आपको बता दें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआत के 3-4 मैचों में भी मोहम्मद शामी को नहीं खिलाया गया था। जब हार्दिक पांड्या चोटिल होकर टीम से बाहर चले गए थे, तब जाकर टीम ने मजबूरी में मोहम्मद शामी को खिलाया था। और फिर मोहम्मद शामी ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कमाल दिखाया कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा था। इसीलिए अब इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस बीसीसीआई से मांग कर रहे हैं मोहम्मद शामी को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शामिल करने के लिए।